दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर क्या कारण है कि ट्रैफिक पुलिस कभी भी गलत तरीके से किसी वकील का चालान नहीं काटती है, वह ऐसा करने से डरती है। यहां पर अगर कोई आम इंसान सड़कों पर चलता है, अगर उसका पेपर पूरा ओके है, इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ बहाना करके कि आप गाड़ी स्पीड में चला रहे थे, आप ओवरटेक कर रहे थे, वे गलत तरीके से भी चालान कर देती है। वह चालान के लिए आपको इसलिए रोकती है, आप डराती है ताकि आप डर कर, आप घबरा कर उसे कुछ पैसा दे दें। दोस्तों सरकारी खजाने तक पैसा नहीं पहुंचता है। अगर हेलमेट का फाइन का राशि 1000 रुपये है तो फिर जो पुलिस आपको पकड़ेगी वह आपको ज़रूर बोलती है कि आप 500 रुपये दे दीजिए और आप यहाँ से जाइए। दोस्तों एक और जहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है, अगर आप अपनी शिकायत को लेकर पुलिस थाने जाते हैं तो फिर पुलिस आपकी शिकायत नहीं सुनती है, वो रिपोर्ट लिखना ही नहीं चाहती है। आपको कई बार समझा बुझा कर या फिर ज़रूरत पड़ने पर आपको डरा कर धमका कर भी थाने से भगा देती है। यहाँ पर पुलिस की सक्रियता केवल हेलमेट नहीं पहनने वाले पर है, गाड़ी का पेपर नहीं होने पर है, और इसका कारण क्या है? यही कारण है कि पैसा, उन्हें कुछ पैसा आ जाए। तो यहाँ पर मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या कारण है, आखिर वह कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस है वह वकील का चालान करने से डरती है। देखिए यहाँ पर वकील हो, जज हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। हमारा जो लॉ है वह सुप्रीम है। यहाँ पर किसी का भी चालान किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक बार प्रधानमंत्री तक के कार का चालान काटा गया था। लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि गलत तरीके से चालान पुलिस वकील का काटने से डरती है। आम आदमी का तो डरा कर धमका कर, और आम आदमी डर कर पैसा भी दे देता है, वह यह सोचता है कि कौन कोर्ट थानों का चक्कर में पड़ेगा, इसलिए वह उलझना नहीं चाहता है और वह कुछ पैसा देकर वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन वहीं अगर एक वकील के पास सारा पेपर ओके है तो कभी भी पुलिस उसका हरासमेंट नहीं कर सकती है, उसे टॉर्चर करके पैसा नहीं ले सकती है। चाहे वह किसी भी रैंक का पुलिस ऑफिसर हो, वह ऐसा भूल कर भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर कारण क्या है। दोस्तों जो आम इंसान है वह इसलिए तो डरता है कि कोर्ट का चक्कर कौन लगाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वकील का काम ही होता है कोर्ट में, तो वह कोर्ट का चक्कर लगाने से क्या डरेगा। तो यहाँ पर अगर गलत तरीके से कोई भी पुलिस चालान वकील का करेगी तो फिर निश्चित ही वह वकील उस फाइन को, उस चालान को कॉन्टेस्ट कोर्ट में करेगा, कोर्ट में घसीट कर उस मामले को लाएगा। फिर जिसने भी चालान किया होगा उस पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में आना होगा और फिर एक आम आदमी की तरह उसे कोर्ट दौड़ना पड़ेगा और फिर उसका सारा सर्विस रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। अगर वकील उसके खिलाफ केस कर देगा कि मुझे बेवजह रोका गया, पैसा की मांग किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया। जैसे आम इंसान कोर्ट का चक्कर लगाते रहता है, फिर अगर वकील कोर्ट में उस मामले को ले जाएगा तो फिर उस पुलिस ऑफिसर को भी कोर्ट का चक्कर लगाना होगा और फिर उसका समय तो बर्बाद होगा ही और उसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। जैसे ही वकील जो है उसके खिलाफ कोर्ट में केस करेगा, फिर कोर्ट जो है नोटिस देकर उस पुलिस को कोर्ट में बुलाएगी और उसे न चाहते हुए भी आना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक समझदार अगर पुलिस होगा तो वह कभी भी वकील से नहीं उलझेगा कि फिर मुझे कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा और उसकी नौकरी तक जा सकती है। कई बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि वकील को अगर किसी पुलिस ने परेशान किया है तो यहाँ पर कार्रवाई हुई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।